देखिए अपने आप को ये लोग सिंघम समझते हैं। सिंघम एक फिल्म थी, काल्पनिक कथा के ऊपर बनी हुई फिल्म। हाईकोर्ट ने कल ये सवाल पूछा है सरकार से बदलापुर के एनकाउंटर के बारे में कि ये एनकाउंटर सच नहीं लगता है, झूठा एनकाउंटर। बात सच और झूठ की नहीं, बात ये है बलात्कारियों को कठोर शिक्षा देनी चाहिए और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें इस प्रकार के मुकदमे फंसने नहीं चाहिए, झटपट न्याय होना चाहिए। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर आप एनकाउंटर करते हो ऐसे लोगों के तो ये गलत है। अगर आपके आपके मन में आप अपने आप को सिंघम मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस वो दोनों में झगड़ा चल रहा है सिंघम को, ये पहली बार मैं देख रहा हूं देश में। एक सरकार में दो नेता है, एक मुख्यमंत्री है एक उप मुख्यमंत्री है। एनकाउंटर का श्रेय लेने की तो होड़ मची है, मैं सिंघम या तू सिंघम, ये जो होड़ मची है उसमें सब कुछ क्लियर होता है कि ये कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। देखिए अपने आप को ये लोग सिंघम समझते हैं। सिंघम एक फिल्म थी, काल्पनिक कथा के ऊपर बनी हुई फिल्म। हाईकोर्ट ने कल ये सवाल पूछा है सरकार से बदलापुर के एनकाउंटर के बारे में कि ये एनकाउंटर सच नहीं लगता है, झूठा एनकाउंटर। बात सच और झूठ की नहीं, बात ये है बलात्कारियों को कठोर शिक्षा देनी चाहिए और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें इस प्रकार के मुकदमे फंसने नहीं चाहिए, झटपट न्याय होना चाहिए। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर आप एनकाउंटर करते हो ऐसे लोगों के तो ये गलत है। अगर आपके आपके मन में आप अपने आप को सिंघम मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस वो दोनों में झगड़ा चल रहा है सिंघम को, ये पहली बार मैं देख रहा हूं देश में। एक सरकार में दो नेता है, एक मुख्यमंत्री है एक उप मुख्यमंत्री है। एनकाउंटर का श्रेय लेने की तो होड़ मची है, मैं सिंघम या तू सिंघम, ये जो होड़ मची है उसमें सब कुछ क्लियर होता है कि ये कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।